रोटी में कोई दिक्कत लग रही है भाई? रोटी में कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी करे आप ही तो बनाए। घनघोर इंसल्ट। तो खुशबू मोल भाव कर रही है बुरी तरीके से। खुशबू पिंक यही ले ले, ये ले ले। तो फाइनली चादर ले लिया खुशबू के मोल भाव के बाद। दृष्टि जैसा काला नहीं है वो। मम्मी बता अभी क्या बोल रही थी, दृष्टि इतनी शतांत हो रही थी काली जितनी, और अभी ऐसे जैसे मेरे मोबाइल ऑन किया मम्मी बोल रही इतना काला नहीं है। मम्मी शैतान ही तो रहा बचपन में। अरे काले के लिए, अरे भगवान करके आपने झूठी कुछ जबरदस्त हो यार। चेन नहीं है पानी में, ये चप्पल गिरा देता है, पता नहीं क्या कर देता है, इसलिए बहुत शैतान है भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कुछ पता नहीं क्या चल रही थी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब आए, होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की, और अभी हो रहे हैं दोपहर की शायद 1 या 2 बजे हुए। काजू सो रहा है तो हमने सोचा मार्केटिंग करके आते हैं, और आज 18 अप्रैल, मम्मी भी शायद नीचे सो रही है, और खुशबू मेरे सामानों को यूज़ कर रही है उनकी बुराई कर करके कि आपका ये सामान बेकार है, आपका ये सामान बेकार है, तो उनको यूज़ करती हूँ। कोई करे तो क्या करे, तो ये बोले दृष्टि तो ये अच्छा लग रहा है और फिर यूज़ कर ले, नहीं ये तो इतना बुरा लग रहा है, तो इतना बुरा लग रहा है, फिर देखो अब। और अभी चलते हैं क्या मुँह पे भी क्यों लगे, मैं मुँह पे कुछ भी नहीं लगाती ऐसी बात है, क्योंकि इसको है ना मुँह क्या है कुछ भी झेल लेता है, और मैं कुछ लगाती तो मेरे यहाँ पिंपल वहाँ पिंपल वहाँ पिंपल, तो मैं मुँह को कुछ भी लगा सकती। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ओ शिट मैं तो भूल ही गई हम जा रहे हैं। ये नए धोए क्यों हैं, थोड़े से कपड़े लेने, काजू का ड्रेस पापा स्टिच करवाने, काजू के एक ड्रेस लाए थे उसको पापा चेंज करने, और एक मैंने वहाँ पे मार्केट में कंफर्टेबल स्लीपर देखी थी, जो कि मुझे बहुत कम ऐसा होता है ना कि कंफर्टेबल चीज़ें मिलती है, तो मुझे वो कंफर्टेबल बहुत लगी थी उस टाइम पे। कल तो मेरे पास टाइम नहीं था, कल जब अलकदरी जा रही थी तब तो मेरे पास टाइम नहीं था, पर आज जाते हैं वो स्लीपर लेके आते हैं, और एक चादर भी लेके आना है, और थोड़ी बहुत वो शॉपिंग है वो करके आते हैं। तो जल्दी से निकलते हैं कि खुशबू तैयार हो जाए, तो देखते हैं खुशबू कितने लगाती है। मेरे तो भाई बाल ही सूखे नहीं है, तो अपने को तैयार होना नहीं है, हम गीले बालों में चल चलेंगे। तो चलो चलते अब मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने ये ड्रेस इसलिए निकाली है, ये क्या है ये वाली जो ड्रेस थी, ये मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब काजू जब हुआ था उसके बाद पहनी थी, इसको ढंग से हो भी नहीं रही है। ये काजू जब हुआ था ना तब मैंने इसको पहनी थी, अभी बहुत लूज है तो मैं सोच रही कुछ और कुछ कर लेती हूँ। मैंने खुशी को बोला खुशी पहनेगी क्या, खुशी मना कर दिया, तो अब मैं इसका कुछ नई चीज़ बनाऊंगी, तो आपको वो भी दिखाऊंगी, आज ही बनाऊंगी इसका कुछ ना कुछ करूंगी सही इसको। अब मेरे को देख देख के ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ तो इसका नया करना ही चाहिए। खुशबू तो चमक की तेरी पता नहीं क्या लाए, खुशबू बता दे क्या लाए के तू है, स्पिंच बीबी क्रीम बिल्कुल सफेद हो गई लड़की भैया। साउंड है मेरी मम्मी मुझे काला बोल बोल के मुझे इतना इरिटेट कर चुकी कि क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो चलते हैं अब जल्दी से मार्केट, और उसके बाद मिलते हैं। धूप इतनी गजब है कि पूछनी मत, मतलब मार्केट जाने के लिए भी आपको कम से कम भी 10-12 बार सोचना चाहिए, पर अब जा रहे हैं क्या करें। चलो ये खुशबू का जो कुर्ता है ना ये भी मैंने सिला हुआ है, तो खुशबू के ये क्या एक्चुअली में फेंकने वाली थी वाला कुर्ता, मैंने बना दिया था उसके बाद मैंने 1-2 बार पहना फिर मैं सोचा फेंक देती हूँ, तो खुशबू ने फेंकने नहीं दिया इसको रख लिया, अब आज खुशबू पहन के हिरन बन रही है। अच्छा तो लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, मैं भी सोच रही मैं फेंक क्यों रही थी इसको, कभी खरीदो बहुत पागलों करते करती हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है मैं कपड़े फेंक देती हूँ, पर खुशबू ही था, पर खुशबू ने संभाल लिया बहुत अच्छी बात है। चलो चलो ओ हीरोइन चलो चले, इतना शोर होता ना यहाँ पे कि मेन रोड का मकान है, इतना पीपा चीचा पता नहीं क्या क्या आवाज आती है, और खुशबू देखो हमारी डर लग रहा है कि वो होता ना वो लेखक वेखक क्या बोलते हैं वो राइट वो कुछ मंत्र मुग्ध आदमी नहीं होते वो वाले है, और जितना पॉसिबल हो उतनी जल्दी आना है, क्योंकि काजू अभी सो रहा है जब जाएगा ना मम्मी के काबू में नहीं आएगा लड़का। पहले तो हमने सोचा है कि कोई साड़ी वगैरह देख ले थोड़ी बहुत, अगर मिल जाए तो हम साड़ी लेने आ गए। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी हा? अच्छी लग रही है, साड़ी निकाल तो ली है पर ये आंटी जी कम नहीं कर रही है 1% भी,
आंटी जी सही मेरे को जानते उसके बावजूद कम नहीं कर रहे और दो चार रेटे ना हाई बढ़ा दी उन्होंने। मैंने नाना करते करते दो साड़ियाँ ले ली है, पता नहीं क्यों मेरे को रोक नहीं पाती मैं अपने आप को। और खुशबू के बाद में मैंने फेस एक्सप्रेशन देखे उसके बाद में सोचा आप बस करते हो, चलती हूँ घर पे। नहीं नहीं आप चलते हैं। यहाँ पे क्या है एटीएम से पेमेंट, मतलब ऐसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं हो रहा तो एटीएम जा रहे हैं, पैसे से निकालते हैं उसके बाद मिलते हैं। चलो धूप धूप तो ऐसी हो रही है, बाप रे। अचानक अभी पापा का फोन आया है कि मम्मी का फोन आया है कि घर पे काजू रो रहा है, तो हम तो शॉपिंग तो रह गए, हमारी अधूरी अभी घर जा रहे हैं। और क्या पता काजू को लेके हम मार्केट आए क्योंकि हमने पैसे भी नहीं दिए अभी तो साड़ी को, साड़ी भी लाए तो साड़ी भी लाना जरूरी है। और काजू 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 की ड्रेस थी मतलब वो चेंज करानी, तो काजू का ड्रेस भी चेंज करा लेंगे, काजू को लेके आएंगे। अब मम्मी कैसे लेके बैठी हुई काजू, काजू नाराज हो रखा है, रोया था मेरा बेटा रोया था। ना जा 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 मेरे पी। अरे मम्मी का फेशियल ये देखो मम्मी यार, ये को फेशियल अभी दिखाऊंगी आपको, देखो तो सही। कौन सा फेशियल? ये देखो 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 मम्मी ने फेशियल सही कर लिया। हट, काजू इतना तेज रोया है। अब काजू को लेके चलेगी मम्मा, काजू नाराज है मम्मा से। खुशबू डॉगी को बिस्किट खिला रही, काजू डॉगी को बिस्किट, बिस्किट भी है रोटी भी है, डॉगी को बिस्किट और रोटी। आई आई खा लेना तू भाई, खा ले। और अभी क्या हुआ, मम्मी के फोन से फोन नहीं लगा हमारे, तो मम्मी पता नहीं कहाँ से पर्ची लाई, पर्ची में पापा के नंबर था, किसी को रुकवाया यहीं पे रोड पे किसी अजनबी को, उसे फोन लगवाया। मम्मी की दुविधा का लेवल भी अलग ही था आज तो। मम्मी काजू के फोन को काजू को थोड़ा मनाते हैं भाई, काजू जो नाराज हो रहा है मम्मा से, जो नाराज हो रहा है भाई। बेटा मेरी बाबूड़ी क्या बोल, उसे रोते नहीं है ना, मम्मा तो यही थी, मम्मा तो यही थी। अब क्या होता है कर लो तो दोस्तों बोलो। अभी तो मेरे को झोटके सुनाई, झोटके अभी तो मेरे को पता नहीं क्या क्या सुना रही थी, और अभी देखो कितनी चाल में खड़ी हुई। तो अभी काजू लेके जा रहे हैं, ताई काजू रोए नहीं। तो दोस्तों मम्मी को अभी भूख लग रही है, अभी भूख लग रही है, तो कुछ भी बोल रही कि खाना पड़ा खाना खा, तो मैं खाना नहीं खाना, मम्मी को मिठाई खानी है। मम्मी की भूख देख रहे हो, क्या खाना है आपको? पता नहीं कौन से पेट्रोल पंप है वहाँ पे नुक्ती नुक्ती मिलती है, पेड़ा मिलता है, जाना क्या मिलता है, भगवान क्या मिलता है, हाँ वहाँ पे नमकीन मिलती है, तो मम्मी को वहीं की नमकीन खानी, ऐसे तो मम्मी को भूख लग रही है, हे भगवान। तो अभी तो निकल रहे हैं हम लोग काजू के कपड़े बदलाने, और काजू देखो इतना अभी तभी उदास हो रखा है बहुत ज्यादा। मुझे छोड़ के क्यों गए थे आप लोग, क्यों गए थे? अरे नानी नाराज मत करो उसको, ये कौन सी अजीब गरीब ऐसा मुश्किल ऐसे ऐसी छोड़ के गई, मेरे पास जब याद है इनको मेरे पास नहीं रहता है, और दोनों माया चल गई है। मम्मी मम्मी के नाक खुशबू को और मेरे को, दोनों को काजू की माँ बोलती है कि खुशबू काजू का मेरे से ज्यादा खुशबू के पास रहता है, अगर मैं खड़ी और खुशबू खड़ी तो खुशबू के पास जाता है लड़का, देखो इतना खतरनाक है बच्चा। और अभी चलते हैं जल्दी से मार्केट। जो डोगी थी ना वो इतनी चालाक थी कि इसको ना बिस्किट और ना रोटी रखी थी, तो रोटी तो छोड़ गई बिस्किट भी खा गई। डोगी को बुला लिया मैंने, तेरी रोटी खा ले, चलो ये खाएगा। अरे रोटी में कोई दिक्कत लग रही है भाई? भगवान इतनी घनघोर इंसल्ट, रोटी को ये भी छोड़ के भाग गया, क्या करूँ बताओ। लोग मार्केट आ गए और चप्पल लेने आ गए, मुझे एक स्लीपर बहुत पसंद आई थी, तो मेरे दिमाग में स्लीपर स्लीपर घूम रही थी, तभी स्लीपर खरीदते हैं। मेरी स्लीपर मुझे काफी पसंद आई थी, पर छोटे कलर दूसरा स्लीपर के साथ एक दिक्कत हो गई कि जो कलर मुझे पसंद है ना उसका छोटा पीस है, और जो मुझे पसंद नहीं था ना वो मेरी साइज की थी। अरे ये ग्रीन ग्रीन है,
हाँ अभी नेक्स्ट बारी पूछते हैं, अभी आते हैं। तो नेक्स्ट बारी एक बार फिर चक्कर काटे, सेम आर्टिकल सेम स्लीपर्स मुझे चाहिए, जिस कलर में वो मिल गई तो लेते हुए चलेंगे। बाल कहाँ से आ गए, छोटा सा इधर का ना उधर का, मेरे सर पे बाल। खुशबू अंदर कुछ लेने गई तो काजू पीछे पीछे जा रहा है। और अभी हम चादर वदर लेके चादर की शॉप पे गए थे तो इतने सारे वापस सामान उठा के ले आए, हालत खराब हो रही है। काजू काजू अंदर, हाँ अभी काजू अंदर पागल हो गया ऑफिस से। क्या चाहिए क्या चाहिए? ये यहाँ से सामान तो ले लिए, चावल वावल लेने थे, अब जाते साड़ी लेके आते। साड़ी का पेमेंट अब तक किया ही नहीं है हमने। मुझे तो फोन ठीक करा, चल तो फोन ठीक करा ले, खुद का फोन ठीक करवाते उसके बाद में जाते हैं मोबाइल ठीक करवाते हैं। मोबाइल का काम तो हो गया है, अब अभी एक और काम बचा है मेरा, जो है ना उसका पेचकस हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ पेचकस नहीं, सॉरी पेच पेच होता है क्या? हाँ पेचकस तो वो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर होता है, सॉरी। तो उसका पेच हो गया तो सारे मैं अभी घर पे चलता हूँ, परेशान हूँ तो भूख लग रही है। और अभी टाइम हो रहा है 6:00 में, पापा के आने का टाइम हो रहा है तो खाने वाने में डिले होंगे, बिना मतलब चलते हैं। तो आंटी साड़ी लेके खड़ी ही हैं, अब फाइनली काजू कुछ खिलाते हैं उसके बाद घर चलते हैं। इसके लिए कुछ पेड़े वेड़े इसको पसंद है, लुत्ती वगैरह जो मीठी बूंदी होती है वो पसंद है, उनको तो कुछ लेंगे और घर चलते हैं। फाइनली घर पहुंच गए हैं, भूख लगी हुई है और जो थकावट हो रही है बाप रे। तो मम्मी चाय बनाएगी, तो मम्मी दो चार बस खाएंगे उनके बाद चाय बना दे, तो बना दे देखते। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और मम्मी तो सो रही है, मम्मी को जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो चाय का आइडिया स्किप ही कर देते हैं। और जो थकावट हो रही है, काजू आके दूध पीने लग गया खराब, और बाप रे थकावट के हमारे जान निकल रही है और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लगी। तो कुछ खाते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो दोस्त मम्मी तो जगी हुई है, मम्मी चाय बना दो अभी, करेले काट। अरे तो फिर चाय बना दो, मम्मी चाय बना दो मेरे को पीने देना। हाय रब्बा देखो ये है मम्मी, ये तो 50 पीती है, इसका क्या कह। अरे बाप रे देखो दोस्त मम्मी कितना तो सुनाती है मुझे, उसके बाद में तू बना दे हमको दया आ जाए। तो मैं कोई दयावान हूं मम्मी, मैं तो कोई दयावान नहीं। तो क्या-क्या काम किया बोलो ना, क्या काम कर रही थी, क्या-क्या आपने हमारे लिए? मैं बोलो तो सही, क्या बोल रही थी अभी आप? बोलो ना क्या उंगली पकड़ के क्या बोल रही थी है मम्मी? मैंने क्या काम किया? मैंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सीखी अब तो तुम मेरे पे चला दो। अब तो मेरे पे चला दो। क्या कर रही हो? सब्जी। पता दोस्तों मम्मी की सब्जी बनाना कैसा होता है? दृष्टि तेल दे, दृष्टि लहसुन कूट, दृष्टि प्याज काट दे, दृष्टि ये कर दे। देखो 2 3 बस 4 एक तो मम्मी की सब्जी का मतलब होता है कि तेल खाओ, इतना तेल डाल दी। आज को भी मजे आ गए कि नानी इतना तेल डाल दी दिमाग खराब कर देती है। सब्जी बनाते बनाते गाने वाले गारी बोल रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और क्या बोल रही, ये कसम ये इरादा? मम्मी कसम नहीं होता, कसम होता है वो। और मम्मी को लगता है ये वाली कोई लिरिक गलती है, खैर वो कसम वो इरादा भगवान जाने क्या था गाना, बट आपने जो गाया वो पक्का गलत है मम्मी। सही है और मम्मी भी जो अंटीशन टाइप की सब्जी बनाएगी ना इतनी टेस्टी बनाएंगी, एकदम टेस्टी वाली सब्जी बना के पटक देंगी। पापा को सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना पसंद है, मेरे हाथ की सब्जी मम्मी को बिल्कुल पापा को पसंद है, क्योंकि मैं कम स्पाइसी बनाती हूँ, कम लहसुन प्याज डालती हूँ, तो पापा को खाना पसंद है मेरे हाथ का। तो स्पेशली मम्मी आई है खाना बनाने यहाँ पे, और शेफ बन के खड़े हो गए, बाकी सब चीज़ मम्मी मेरे से मांग रही है, ये दे वो दे वो दे, इतना इरिटेट कर रही है मम्मी। खुशबू अभी मुझे बार्गेन कैसे करते हैं सिखाई थी, खुशबू कैसे करते हैं बताना, खुशबू मेरे को बुरी तरीके से बार्गेन कैसे करते, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाई थी, पहले ऐसे बोलते फिर ऐसे करते फिर चल जाते दुकान से, उसके बाद वापस नक्टों की तरह नींद दिया तो चलो वापस शॉप पर चल जाओ। मतलब हाय रब्बा मेरे को पूरा ना वो दे रही थी ज्ञान मम्मी ने, खुशबू को तो बार्गेन में वो क्या करता ट्रेंड
बार्गेनिंग करने में ट्रेंड कर रखा है, मेरे को नहीं किया क्योंकि मम्मी ने तो कभी शॉपिंग नहीं करती थी, पर खुशबू तो भैया मतलब मेरे को स्टेप बाय स्टेप बता रही है कि पहले एक दिन जाके आ जाएंगे, आप इतने रुपये कम करना, नहीं करना चल जाएंगे दुकान से, वापस नहीं करेंगे तो अगले दिन चलेंगे नट्टो की तरह और वो वाली चीज ठग ले आएंगे अपने को, तो वैसे भी उस प्राइस पे दे रही है ना, देख रहा दिमाग। चलो अब खाना बनाते जल्दी से, देखो तो आज मैं वहाँ से ये साड़ी लाई थी और एक साड़ी ये वाली लाई थी जो अभी मैं पहन पहन के देख रही थी इनको, तब फिर भूल गई ब्लॉक करना, तब फिर कभी पहनूंगी तब दिखाऊंगी। वैसे साड़ियाँ दोनों ही बड़ी सुंदर लग रही है, और एक ये सूट लाई थी मैं, सब मैंने फैला दी कि मैंने सब इनको ऐसे लगा लगा के देख रही थी खुद पे, तो काफ़ी थक गए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आज पता नहीं क्या कह रहा था, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।